लचर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के काम तंत्र के चलते बच्चे के सिर में से सुई को निकलवाने के लिए अपने बच्चे को साथ लेकर पीड़ित दाऊदयाल दर दर की ठोकर खा रहा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर केडी मेडिकल कॉलेज की मिलीभगत के चलते लीपापोती में लगा हुआ है, जहां पीड़ित दाऊदयाल के बच्चे बंसी का स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे होने के बाद मथुरा स्वास्थ्य विभाग सिर में सुई होने की पुष्टि नहीं कर सका। वहीं मथुरा में नामचीन मथुरा सिटी स्कैन के डॉक्टर ने सुई होने की बात को चैलेंज किया। मथुरा जिला हॉस्पिटल की लापरवाही और लचर व्यवस्थाओं के चलते पीड़ित दाऊदयाल दर दर की ठोकर खा रहा और दाऊदयाल की पुकार सरकारी कागजों में उलझकर रह गई। आपको बता दें कि मथुरा सीएमओ से मिलने के बाद सीएमओ जांच की बात कह रहे हैं, जिसके चलते बच्चे को लेकर दाऊदयाल सरकारी हॉस्पिटल गया और डॉक्टर ने इलाज से पहले पीड़ित के बच्चे का एक्सरे कराने की बात कही, जहां उसका एक्सरे कराया गया लेकिन एक्सरे में सब कुछ सामान्य आया, जिसकी एक्सरे रिपोर्ट भी दे दी गई। लेकिन पीड़ित को स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत का शक हुआ और पीड़ित ने नज़दीकी सीटी स्कैन और एक्सरे कराया, जिसमें सुई होने की वाक्य सामने आया, जहां सीटी स्कैन डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने मथुरा के सरकारी जिला हॉस्पिटल के डॉक्टर के सुई की बात की पुष्टि करके चैलेंज कर दिया। मेरे बच्चे को केडी मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन कराया था मैंने, तो ऑपरेशन कराया तो उन्होंने डॉक्टरों ने जो लापरवाही से सिर में नीडल छोड़ दी है, तो मैं थाने भी गया हूँ, सीओ साहब से भी मिला हूँ, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी सर मेरी, और ज़्यादातर मतलब गलत तरीके से पेश आए। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आया हूँ, यहाँ भी डॉक्टरों ने गलत तरीके से पेश आए सर, और जो है बच्चे के सिर में अभी नीडल फंसी हुई है। उसमें स्कैल्प में एक मेटलिक पार्टिकल था 10x2 mm का, जो सिर की हड्डी और बालों के बीच में था, मतलब स्कैल्प में था, सिर की जो लेफ्ट साइड में पैराइटल रीजन में था और 10x2 mm उसका साइज था। लेकिन सरकारी काम तंत्र मिली भगत के चलते मासूम की जान से खिलवाड़ करने में आमादा है और मासूम बच्चे के सिर में आज भी वही सुई फंसी हुई है। लेकिन केडी मेडिकल की कार्रवाई की बात तो दूर, मथुरा स्वास्थ्य विभाग लीपापोती में लगा हुआ है, जिसका जीता जागता उदाहरण कैमरे में ली गई तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं, जहां जिला हॉस्पिटल में खड़ी केडी हॉस्पिटल की गाड़ी और कैमरे की नज़र से बचते हुए केडी हॉस्पिटल के कर्मचारी भागते हुए तस्वीर में कैद हो गए। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। यूपी के मथुरा में आतंक का प्राय बन चुके बंदरों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। वन विभाग और नगर निगम से मिली सहमति के बाद सामाजिक संस्था इस समस्या से निजात दिलाने के लिए बंदर पकड़ने का अभियान चला रही है। प्रथम चरण के तहत ये संस्था 300 बंदरों को पकड़कर मथुरा जनपद की सीमा से बाहर छोड़ी। सामाजिक संस्था MRC वृंदा की टीम ने वृंदावन में आतंक का प्राय बन चुके बंदरों से निजात दिलाने के लिए बंदर पकड़ो अभियान शुरू किया है। वन विभाग और नगर निगम की सहमति मिलने के बाद ये टीम सुबह सुबह शहर के गोविंद देव मंदिर इलाके में पहुंची, जहां टीम ने बंदरों को पकड़ने के लिए अपनी वैन लगा दी और उसमें चने डाल दिए। गाड़ी में चने देखते ही बंदरों का हुजूम गाड़ी के अंदर पहुंच गया, जिसके कुछ देर बाद ही गाड़ी का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया। इसके बाद टीम के लोग इन बंदरों को लेकर मथुरा जनपद की सीमा से बाहर जंगल में छोड़ने के लिए निकल गए। आज पहले तो गोविंद बाग में पकड़े गए करीब 35-40 बंदर है, पहुंचे नहीं हुए, अभी दूसरे राउंड में करीब यहाँ पे भी 30 बंदर, मेरे ख्याल से 25-30 या 35 बंदर होंगे,
वो पकड़े गए गोविंद देव मंदिर पे। आपका लक्ष्य कितना है बंदर पकड़ने का? अभी जो फर्स्ट स्टेप में 300 बंदर पकड़ के छोड़ने की अनुमति हमने दी चुकी है वन विभाग। तक कितने बंदर पकड़ चुके हैं आप? अब तक कल तक मेरे ख्याल से 80 बंदर करीब हो चुके हैं। टीम ने यहां से 63 बंदर पकड़े और उनको बाद में जंगल में छोड़ दिया। सामाजिक संस्था की टीम के अनुसार उन्हें प्रथम चरण में 300 बंदर पकड़कर छोड़ने की अनुमति मिली है। यहां हम आपको बता दें कि वृंदावन में बंदरों की संख्या से स्थानीय नागरिकों के साथ साथ यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी दो चार होना पड़ता है। वृंदावन की सड़कों पर आप चश्मा लगाकर नहीं निकल सकते। इसके अलावा इन बंदरों के कारण हर साल जहां 2000 से ज्यादा लोग चोटिल होते हैं, वहीं 3 से 4 लोगों की मौत को मुंह में सामना करना पड़ता है। यूनिवर्सल न्यूज के लिए मथुरा से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।